गाइस हम निकल चुके हैं भाई, जाम बहुत गहरा इधर, और हम हैं इस टाइम फरीदाबाद नीलम चौक। टाइम हुआ है अभी 6:20 और अभी हमें पुलिस ने पकड़ा था। खाली बाइक के पेपर देखे थे और बाइक देख के उन्होंने छोड़ दिया था, और हम अभी आ रहे हैं दोस्तों अपनी बाइक की सर्विस करवा के। उसमें अभी काफ़ी दिक्कत आई थी बाइक में, क्योंकि जो ये डोमिनार है ये 1.5 साल से खड़ी थी घर पे, काफ़ी लंबा जाम है। भाई जो अब मजा आ रहा है बाइक का वो एकदम ऑसम आ रहा है, क्योंकि अपनी बाइक की सर्विस हो चुकी है। और दोस्तों इसके ऊपर भी आपको एक अलग से वीडियो मिलेगी, क्या क्या बाइक में प्रॉब्लम आई थी। दोस्तों बाइक में जो मज़ा आ रहा है वो एकदम ऑसम आ रहा है चलाने में, ऐसा लग रहा है काफ़ी लाइट वेट बाइक ये हो चुकी है, और काफ़ी ट्रैफिक है इस टाइम, क्योंकि ऑफिस वगैरह का भी ऑफ होने का टाइम होता है इस टाइम। दोस्तों जो बजाज डोमिनार है 2017 मॉडल जैसे कि ये बाइक है, इसके साइड मिरर है वो एकदम बकवास है। आप देखोगे तो इसमें आपको पीछे का व्यू ज़्यादा दिखेगा नहीं, और जो नई डोमिनार है उसमें मिरर काफ़ी अच्छे हैं। Moments later. भाई बल्लभगढ़ में बहुत ज़्यादा ही जाम था, और हम अभी है बल्लभगढ़ फ्लाईओवर पे, जो कि रेलवे का फ्लाईओवर है, और ये जाम जो रहेगा सीकरी तक ही रहेगा, उसके बाद थोड़ा जाम कम हो जाएगा। तो ये लोग रोड ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे अपने घर में चल रहे हों। भाई बाइक चलाने का असली मज़ा अब आ रहा है जब से मैंने बाइक ली है, ये काफ़ी स्मूथ बाइक चल रही है ये। और ये दोस्तों JCB चौक है, अपने घर पहुंचने में मैक्सिमम लगेंगे 20 से 25 मिनट, क्योंकि अभी बाइक सर्विस होता है तो भैया ने बोला है कि इसको 100 से ऊपर ना चलाएं। वैसे जो इसका अभी ट्रायल करके देखा था हमने, वो 100 के अराउंड करके देखा था, और ये चल रही है अपने आगे यूपी रोडवेज। तो भाई ये क्या है, ये बजाज डोमिनार आगे जाते हुए, काफी मजा आ रहा है बाइक चलाने में। अंधेरा धीरे धीरे होने को आ रहा है, और दोस्तों हमने अपनी बाइक की सर्विस कराई थी, लेकिन एक चीज हम फिर भी भूल गए, अपनी बाइक का टाइम सेट कराना।
देखते हैं, घर जाके खुद ही कर लेंगे। बाईपास जो कि दिल्ली निकल जाता है, बाईपास होते हैं पलवल, यहाँ से 19 किलोमीटर मथुरा है 104 और आगरा है 159 किलोमीटर। और दोस्तों हम निकले हैं अपने घर से 1 बजे के समथिंग, और हमें जो टाइम लगा है वो बाइक की सर्विस कराने में लग गया था, बाकी बाइक में जो प्रॉब्लम थी वो तो पहले ही ठीक हो गई थी। और जो मैंने बाइक अपनी ठीक कराई थी वो फरीदाबाद एजेंसी से ही कराई थी। काफी रिएक्शन मिल रहे दोस्तों, अच्छे अच्छे रिएक्शन मिल रहे हैं, लोग गाड़ी से भी देख रहे हैं। वैसे भी ये बजाज डोमिनार काफ़ी कम बाइक है, ये ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं KTM ड्यूक को और RC को, बट रेट के मामले में कंपेयर करें तो ये ठीक है, इसके पार्ट्स भी इजीली मिल जाते हैं, मगर मिलते दोस्तों एजेंसी पे ही हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं दोस्तों सीकरी, और सीकरी का फ्लाईओवर तो ऐसे बनाया जैसे उन्होंने आपत्ति डाली है, एक सीकरी का और एक तिरथले का। एक दिन बारिश आई नहीं और ये रोड खराब। काफी गड्ढे हुए हैं इस रोड पे, और थोड़ी थोड़ी जगह पे बस ये मसाला से डाल देते हैं। ये रोड अभी फिर से बनाई है इन्होंने, 4 से 5 बार देखते देखते तो मेरे को हो गया ये रोड कंप्लीट करते हुए। और इनका ये फंडा नहीं है कि एक बारी में रोड को कंप्लीट कर दें। एक बार मटेरियल यूज करोगे, अच्छा करोगे तो ठीक रहेगा, अगर आप हल्का मटेरियल यूज करोगे तो आपको फिर से उस पे लेयर चढ़ानी पड़ेगी। सीकरी का चेक पोस्ट, दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी भगोला गांव, और यहाँ से अपना घर रह जाता है तो 7 से 8 किलोमीटर दूर। और हम तो उधर से निकले हुए अभी मैक्सिमम हो चुके हैं, टाइम हो चुका है 20 मिनट। तो जल्दी हम अपनी बाइक की जो रैप वगैरह है, सबसे पहले तो अपनी बाइक की जो टंकी है इसको लैमिनेट कराएंगे, और साइड में अपने चैनल का नाम भी लिखवाएंगे, क्योंकि अपनी बाइक एकदम पूरी तरीके से तैयार होकर आ चुकी है और अपनी बाइक को डिटेलिंग भी हो चुकी है। और दोस्तों ये एक छोटी सी राइड थी फरीदाबाद से पलवल के बीच, और आपको इससे आगे राइड देखने को मिलेंगी। अब प्लान करते हैं कहाँ की राइड रखे हम, और दोस्तों इसमें जो जो पार्ट्स लगे थे, क्या कॉस्ट आई उनकी, क्या खर्चे थे, एक उस पर पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो कैसी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना। डोमिनार लवर, और ये मॉडिफिकेशन दोस्तों ऐसे करनी है जो काफ़ी अच्छी लगे देखने में भी। और पलवल हम पहुंच चुके हैं, और आगे से लेंगे राइट
और ये दोस्तों सीधे चला जाता है हाईवे कश्मीर टू कन्याकुमारी, यही हाईवे है। काफी मजा आया राइड करके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।